नेक्स्ट वी विल डिस्कस पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी, ठीक है, ब्रॉडली समझेंगे. इसका प्रिंट आउट मिला होगा ना, वहां से पढ़ लेना. सो देखो बेसिकली पॉवर्टी कैन बी, दूसरा डस्टर चाहिए. पॉवर्टी बेसिकली इज ऑफ टू टाइप्स और देर आर टू वेज थ्रू विच पॉवर्टी कैन बी मेजर. एक तो हो गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी, दूसरा हो गया रिलेटिव पॉवर्टी. एब्सोल्यूट मीन्स यार मैंने डिसाइड कर दिया 1000 रुपीज पर मंथ से नीचे जो भी कमाएगा वो पुअर है, ये हो गया एब्सोल्यूट पॉवर्टी. सेकेंड हुआ रिलेटिव पॉवर्टी. रिलेटिव पॉवर्टी ऑल्सो इज अ फॉर्म ऑफ द इनइक्वालिटी. रिलेटिव पॉवर्टी में मैं ये कहूँगा जो बॉटम 30% जिसका भी इनकम है वो सब पुअर है. अब यूएसए में भी पुअर होगा, इंडिया में भी पुअर होगा, बट इंडिया में कितना है पॉवर्टी लाइन इज 1000 रुपीज, यूएसए में कितना है 8000 और 9000 रुपीज, पीपीपी कंपैरिजन बता रहा हूँ. वहीं हांगकांग में है 30,000 रुपीज. सो इसका मतलब हांगकांग में बॉटम 30% को हांगकांग गवर्नमेंट ने पुअर रिज्यूम किया. इंडिया में और डेवलपिंग कंट्रीज के केस में एब्सोल्यूट पॉवर्टी में जाते हैं और डेवलप्ड कंट्रीज के केस में वी गो विद द रिलेटिव पॉवर्टी कंसेप्ट. ठीक है. सो एब्सोल्यूट पॉवर्टी इट इज अ फिक्स्ड मेजर ऑफ पॉवर्टी इन टर्म्स ऑफ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. कैलोरी हो गया सपोज आप 2250 कैलोरीज, 2400 कैलोरीज से कंजम्पशन. इनकम हो गया, अदर नॉन फूड कंपोनेंट्स एंड द मेजरमेंट इज थ्रू द पॉवर्टी लाइन HDI एटसेट्रा. देन वी हैव द रिलेटिव पॉवर्टी कंसेप्ट विच इज नथिंग बट पॉवर्टी लाइन इज फिक्स्ड इन रिलेशन विद अनदर वेरिएबल सच एज एवरेज इनकम इन अ कंट्री. सो हमने देख लिया एवरेज इनकम है सपोज 10,000 bucks और 10,000 से नीचे नीचे में बॉटम 30% को हमने कह दिया रिलेटिव पॉवर्टी. ठीक है, इसको मेजर करने के लिए वी हैव लॉरेंस कर्व एंड गिनी कोफिशिएंट. सुना है क्या होता है लॉरेंस कर्व? दूर नहीं, नीचे, ऊपर नहीं जा सकता, नीचे आएगा. ठीक है, फेयर इनफ, आज डिस्कस कर लेंगे वैसे. सो वी हैव द पॉवर्टी लाइन. सो पॉवर्टी लाइन इट इज एन इमेजिनरी लाइन. इट कैन बी बेस्ड ऑन इनकम और इट कैन बी बेस्ड ऑन द कंजम्पशन. कंजम्पशन हुआ कैलोरी, इनकम हुआ अगर लेस देन 10,000 रुपीज है, लेस देन 1,000 रुपीज है. देन वी हैव इंडिया में कंजम्पशन बेस्ड है एंड दिस कंजम्पशन इज ऑन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउस होल्ड पर मंथ. ठीक है, NSSO मेजर करता है, इसका सैंपल सर्वे लेके आता है फिर बताता है. बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस प्लानिंग कमीशन वॉज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेजरिंग द पॉवर्टी लाइन. अब प्लानिंग कमीशन तो चला गया, अब क्या होगा? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस आएगा. अब ये पॉवर्टी लाइन का कंसेप्ट यहाँ से रिमूव करके नाउ वी हैव कम अप विद द सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वाला कंसेप्ट. ठीक है, वो स्टेट गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट वी हैव सेवरल कमिटीज हैव बीन सेट अप फॉर द एस्टिमेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन, वो बाद में देखेंगे. सिंपल सा क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो. नेक्स्ट वी हैव फ्यू कॉन्सेप्ट्स वो जो इकोनॉमिक सर्वे में भी ऑल्सो वी डिस्कस रिलेटेड टू द एजुकेशन वी डिस्कस. फर्स्ट वी हैव इज द हेड काउंट रेशियो. हेड काउंट रेशियो क्या होगा? सिंपल इट इज गोइंग टू टेल यू द क्वांटिटेटिव टर्म्स में कितने पुअर हैं, कितने हाउस होल्ड पुअर हैं, इज नोन एज द हेड काउंट रेशियो. बट द प्रॉब्लम इज व्हेन आई एम मेजरिंग द नंबर ऑफ पुअर देयर इज नो क्वालिटेटिव कंसेप्ट इन दिस. सपोज करो आप भी पुअर हो, मैं भी पुअर हूँ, बट आपकी इनकम है 50,000 रुपीज पर मंथ, मेरी इनकम है 10,000 रुपीज पर मंथ. सो ये इनकम डिस्टेंस तो हमने मेजर ही नहीं किया. वो 14 फाइनेंस कमीशन देता है ना 50% वेटेज इनकम इन डिस्टेंस को. सिमिलरली सो टू मेजर दिस पर्टिकुलर क्वालिटेटिव और हाउ पुअर द पुअर इज वी हैव पॉवर्टी गैप इंडेक्स. तो सपोज करो आपने एवरेज इनकम अज्यूम किया इतना. अब एवरेज इनकम में ए इज ऑल्सो पुअर, बी इज ऑल्सो पुअर एंड सी इज ऑल्सो पुअर. फर्स्ट के अकॉर्डिंग हो गया थ्री, नंबर आया थ्री, थ्री आर पुअर. इसके अकॉर्डिंग में पॉवर्टी गैप इंडेक्स में यू आर मेजरिंग एवरेज गैप बिटवीन दीज. सो दे विल दिस पॉवर्टी गैप इंडेक्स विल से कि सी ज्यादा पुअर है, उससे कम बी है और उससे कम ए भी है. सो इट मेजर्स द इंटेंसिटी और डेप्थ ऑफ पॉवर्टी एंड इट मेजर्स द इंसिडेंसेज ऑफ पॉवर्टी. इट मीन्स द नंबर ऑफ पुअर भी है, दोनों अपने लिए रिलेवेंट है. ठीक है, एक मेजर कंसेप्ट छोड़ दिया तुम्हें. देन नेक्स्ट वी हैव इज द थ्री फॉर्म्स. एक्चुअली किस वे में आप मेजर करते हो? सो वी हैव थ्री वेज. फर्स्ट वन इज द यूनिफॉर्म रिकॉल पीरियड, द सेकेंड वी हैव इज द मिक्स्ड रिकॉल पीरियड एंड थर्ड वी हैव इज द मॉडिफाइड मिक्स्ड रिकॉल पीरियड. दीज आर द थ्री वेज थ्रू विच सर्वे इज बींग डन बाय द NSSO.
देखो कैसे होगा, नेशनल सैंपल सर्वे क्या करता है, घर घर में जाता है, एडवर्टीजमेंट भी आता था एंड ऑल दिस करके, एंड देन दे आर गोइंग टू आस्क सम क्वेश्चंस और उससे वो रिटर्न लेता है, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि द टाइप ऑफ आइटम्स दैट वी कंज्यूम वेरीज, कुछ पेरिशेबल हैं जो दो तीन दिन चलते हैं, कुछ होता है जो एक महीना चलता है, कुछ होता है जो एक साल चलता है, जैसे कि आर्ट एंड कल्चर है वो तीन दिन तक याद रहता है, पॉलिटी वॉलिटी वो एक हफ्ते याद रहता है, इकोनॉमिक्स वाला एक साल तक याद हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी तो याद रहेगा। बट सपोज करो आपके पास NSSO वाला आया कोई, एंड देन दे आर गोइंग टू आस्क यू कि सर ये बताओ कि मिड एविल का कोई टर्म पूछ लिया, तो अगर सात दिन बाद पूछा तो कुछ याद नहीं होगा। सो डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम पे पूछना चाहिए अकॉर्डिंग टू द आइटम। सो इफ यू आर कंज्यूमिंग मिल्क वेजिटेबल एंड ऑल, सो वो सेवन डेज तक ही याद रहेगा आपको। उससे ऊपर कुछ करोगे सपोज दिस थिंग सम अदर फूड आइटम्स एंड ऑल यू आर कंज्यूमिंग, तो वो एक महीने तक याद रहेगा, और स्कूल में फीस भरा था वो तो एक साल में याद रहेगा। So accordingly they have identified these three methods. First one is the uniform recall period or URP, under which 30 days ke liye aap last 30 days mein aap consumption puchoge, chahe food ho chahe non food ho, usko reform kiya। Second leke aaye mixed recall period, ye jo Tendulkar committee ne bola tha, mixed recall period mein kya hai, food ke liye aap 30 days aur non food ke liye you have 365 days। थर्ड में लेके आए मॉडिफाई मिक्स्ड रिकॉल पीरियड, जो रंगराजन कमेटी लेके आया था रिसेंटली। उसने कहा यार ऐसा है कि सर्टेन आइटम्स लाइक मिल्क वेजिटेबल्स फ्रूट्स वो सेवन डेज में पूछना चाहिए, देन फूड के अदर आइटम्स 30 डेज में पूछना चाहिए, और नॉन फूड आइटम्स आपको 365 डेज में पूछना चाहिए, ठीक है। एंड फाइनली वी हैव देयर शुड बी इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट इन द पॉवर्टी लाइन, इट शुड नॉट बी फिक्स्ड। जैसे बताया तेंदुलकर ने कि 860 रुपीज पर मंथ अगर आप कंज्यूम कर रहे हो, so you should not be regarded as the poor, but they are inflation हो रहा है, so it should be tagged with something। जैसे MG नरेगा की wages हैं, they are attached to agriculture CPI, agriculture labor, so similarly there will be an inflation adjustment in the poverty line concept। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। हेड काउंट आ गया, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी हो गया, हाँ। देन वी हैव सम ऑफ द कमिटीज, एक्चुअली एस्टिमेशन की सम ऑफ द कमिटीज वी हैव। सो फर्स्ट वी हैव इज द दांदेकर एंड रथ कमिटी 1971। उससे पहले दो तीन कमिटी था, बस नाम नाम लिख लो कौन कौन सा है। सो सब फर्स्ट टाइम पॉवर्टी किसने मेजर की थी, दादा भाई नरोजी, लिख लो फर्स्ट टाइम दादा भाई नरोजी इन 1867-68। दादाभाई नरोजी इन 1867-68 ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ ए सब्सिस्टेंस डाइट, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ ए सब्सिस्टेंस डाइट। सब्सिस्टेंस क्या होता है, जिंदा रहने के लिए जितना चाहिए, हाँ जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ठीक है। देन वी हैव 1938 में नेशनल प्लानिंग कमिटी वॉज सेटअप, नेक्स्ट 1944 में बॉम्बे प्लान केम, एंड 1962 में प्लानिंग कमीशन केम। प्लानिंग कमीशन केम विद द पॉवर्टी लाइन ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल मिनिमम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब इसमें आ गया, देन वी केम अप विद द दांदेकर एंड रथ कमेटी, कैलोरी बेस्ड फर्स्ट टाइम यूज हुआ था इसमें, यहां लिख लो ऊपर इसमें एस्ट्रिक लगा के, फर्स्ट टाइम दे रिकमेंडेड ऑन द बेसिस ऑफ द कैलोरी। देन वी हैव द अलाग कमिटी केम। देखो ये सब में आपको नेम कमिटीज याद रखने हैं कि दिस कमिटी इज रिलेटेड टू व्हाट, मैच द फॉलोइंग आएगा, डायरेक्टली आएगा, समथिंग लाइक दिस, इन बिटवीन नहीं आएगा बिकॉज नथिंग न्यू इज देयर। देन अलाग कमिटी केम इन 1979, अगेन द सेम वन, द कैलोरी बेस बस दे बाइफरकेटेड, रूरल के लिए अलग, अर्बन के लिए अलग। देन केम द लखड़ा वाला कमिटी इन 1989-94 तक आया था वो, देन अगेन द कैलोरी बेस्ड पॉवर्टी लाइन रूरल अर्बन के लिए, बट स्टेट लेवल पॉवर्टी लाइन्स लेके आया था। एंड फाइनली द तेंदुलकर कमिटी केम विच आर सेइंग फूड पे होना चाहिए और नॉन फूड पे होना चाहिए।
For the first time, they expanded the scope of the definition. But यहाँ पे जो ये rural urban state wise सब अलग हुआ था, सब उसने merge कर दिया and then they said कि सबको urban poverty line के basis पे ले आओ. So Tendulkar ने merge किया था. This was the negative. This you need to remember. The Tendulkar committee merged rural and urban. But rural और urban का demography different होता है, working culture different होता है. वहाँ agriculture है या manufacturing है, इसी में काम करना है. Our calorie consumption is less. Then they used mixed recall period. Mixed recall period क्या होता है? उससे पहले होता था URP. Mixed recall में food और non-food. Food में 30 days, non-food में 365 days. उससे पहले होता था 30 days for both food as well as non-food. और MMRP में 7 days some of the food items. Then for other food items 30 days and then we had the 365 days. देखो poverty पे last 4-5 years में कोई question नहीं आया. Unemployment पे भी नहीं आया. इसीलिए extra class लेके पढ़ा रहा हूँ. Otherwise छोड़ देता. ठीक है? Then we have the recent one, the Rangarajan committee came. So, this Tendulkar committee ne recommend kar diya ki we have only 21.9% poor. Problem ho gaya. Because on the one hand, we have 49%, 45% malnourished children. Aap keh rahe ho sirf 21% hai, toh kahan se aaya? This means kuch estimation mein problem hai. Although, critics mein ek bar dekhenge hum, ki when the government is giving the subsidies, wo count nahi ho raha hai isme. Ye toh expenditure based hai, but subsidies toh aapke account mein aata seedha seedha. So, subsidies को आपने count ही नहीं किया इसमें. But still then you are measuring the poverty. So, अगर उसको add करोगे तो poverty actual में कम है. वो mains के लिए relevant है. Critical analysis में देखेंगे वहाँ पे. Rangarajan said food component should be there, non-food component should be there. ये तो same Tendulkar वाला आ गया. But they separated poverty lines for urban and rural. देखो Rangarajan को नए government ने accept किया ना reject किया. कुछ भी नहीं किया उसको. Then they use the modified mixed recall period. ठीक है? एक और चीज लिख लो रंगराजन में दे इंक्लूडेड द कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट एक्सप्लिसिटली कहा था उन्होंने दे इंक्लूडेड द कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन एंड फैट And then we have Fisher index होता है कुछ side में लिख लो क्या होता है Fisher index या Fisher price index सुना है सुना तो होगा this I'm 100% sure you know कि इसके अंदर क्या होता है बस correlation नहीं पता हमने पढ़ा था कभी inflation में that real rate of interest equals to nominal rate of interest minus inflation. पढ़ा है? We have real rate of interest. So real rate of interest equals to nominal rate of interest minus inflation. So suppose you are getting 8% return in FD, but inflation भी 8% है. So इसका मतलब आपको real interest rate 0% मिल रहा है. Because last year you were able to buy 2 kg of sugar in 100 rupees. Now you have to spend 108 rupees to buy same 2 kg of sugar. So return क्या है? कुछ भी नहीं. So 8% का जो return मिला, वो कुछ भी return नहीं है, because now the inflation has deteriorated the value of the money. So this is known as the Fisher Price Index, which says that the real rate of interest equals to nominal rate of interest minus inflation in the economy. So ये inflation adjustment का recommendation दिया था रंगराजन ने, जो हमने पहले भी discuss किया था. Then we have, there are a lot of differences between the Rangarajan committee as well as the Tendulkar committee. Sabke positive, negative, the government ne keh diya, bhaiya, ye committees ke basis pe hum entitlements nahi denge ab. Ab entitlements, purpose kya tha iska? APL, BPL ko classify karne ka. Because agar ab EPL mein ho, so government was giving some entitlements. Wo, येलो कार्ड बना के आपको एक्स्ट्रा पीडीएस देते थे ये देते थे अब क्या कर दिया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना दिया राइट्स बेस्ड अप्रोच लेके आ गए ईपीएलओ बीपीएलओ कोई भी एमजी नरेगा में काम कर सकता है इट मींस नाउ दिस मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज नॉट बीइंग यूज्ड टू प्रोवाइड द एंटाइटलमेंट्स बाय द गवर्नमेंट उसके लिए यूज नहीं करता
नॉर्मल यूज करता है एस्टिमेशन के लिए, मेजरमेंट के लिए, बिकॉज थिंग्स विच कैन नॉट बी मेजर्ड कैन नॉट बी इम्प्रूव. अगर आप मेजर ही नहीं करोगे कि पुअर कितना तो इम्प्रूव कैसे करोगे. सो टू रिमूव दिस पर्टिकुलर एंटाइटलमेंट विद दिस पर्टिकुलर थिंग दे हैव कम अप विद दीज कमिटीज एंड ऑल. बट उसमें भी प्रॉब्लम था बहुत, इसलिए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस लेके आए थे. वो नेक्स्ट पढ़ूंगा, जो लास्ट कंसेप्ट जो प्रेजेंट चल रहा है अभी. सो दिस तीन चार साल करके उसने रिपोर्ट दिया एंड ऑल, एंड देन दे सेड कि मिनिमम स्पेंडिंग पर डे का कितना होगा, उसके बेसिस पे यू डोंट हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स. बट या तेंदुलकर और इसमें देर वॉज वाइड डिफरेंस. या 33 रुपीज अर्बन एरियाज में 47 रुपीज है, इट मीन्स मोर देन 30% उसने इंक्रीज कर दी. सिमिलर इन केस ऑफ द रूरल एरियाज एज वेल. नेक्स्ट वी हैव इज द अदर अल्टरनेटिव्स. एक तो ये हो गया मेजर करने के लिए. अदर अल्टरनेटिव्स कौन से होंगे पॉवर्टी के मेजरमेंट के लिए? पढ़ा था जो इनइक्वालिटी मेजर करता है, एक तो लॉरेंस कर्व, गिनी कोएफिशिएंट, या फिर यूएनडीपी जो निकालता है, एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एमपीआई एंड ऑल, और इंडिया में यूज होता है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. सो थ्री मोर कॉन्सेप्ट्स वी हैव. फर्स्ट ऑफ ऑल The Lorentz curves gives you the relationship between percentage of income and percentage of population. समझ लो इसको. So suppose we have here, we have the percentage of population. So 10% population, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100%. Similarly, we have the income. So suppose I'm saying that bottom 20% population के पास 5% income है. Then bottom 50% के पास suppose करो 20% है, and then top 5% के पास we can have the 20%, 30%, 40%. This is how you are measuring the inequality. ठीक है? So the best case scenario will be 45 degree पे angle बना दो. 10% population के पास 10% है, 20 के पास 20, 30, 30, 40, 40, 70, 70 and 100 के पास 100% is the best case scenario. Now can this Lorentz curve, ये तो ideal condition होगी, the best case scenario. Can this Lorentz curve be above this particular line? हो सकता है क्या? Impossible है, because फिर तो चलेगा ही नहीं. फिर तो bottom कैसे कहोगे इसको? Because bottom 20 है नहीं, वो तो ये तो top 20 हो गया, ये तो graph ही fail हो गया. So in this case of the Lorentz curve, this Lorentz curve cannot be above this perfect equality वाला जो line है, उसके ऊपर नहीं जा सकता. एक चीज ये याद रखना, ठीक है? The second thing is, यार ये तो बेस्ट केस सिनेरियो आपने कंपेयर कर लिया. नाउ इफ यू वांट टू मेजर द इनइक्वालिटी इन इंडिया वर्सेस चाइना, कैसे करोगे? उसका तो कर्व अलग होगा, इसका कर्व अलग होगा. सो कहीं तो आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उसका कितना एरिया है, इसका कितना एरिया है. इसके लिए आप लेके आए द कंसेप्ट दैट इज नोन एज द गिनी कोएफिशिएंट. उसमें वी हैव टू एरियाज. फर्स्ट वन इज ए एंड सेकेंड इज बी. ए मीन्स लॉरेंस कर्व और परफेक्ट इक्वालिटी के लाइन के बीच का जो एरिया है, दिस इज नोन एज ए. ठीक है? एंड लॉरेंस कर्व से नीचे और इसके बीच में जो एरिया है उसको कहते हैं बी. गिनी कोएफिशिएंट इज नथिंग बट ए अपॉन ए प्लस बी. नाउ यू हैव टू टेल मी, इफ आई एम सेइंग देयर इज परफेक्ट इक्वालिटी इन द इकोनॉमी, द वैल्यू ऑफ ए विल बी 0, द वैल्यू ऑफ बी विल बी 100 टोटल, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गिनी कोएफिशिएंट? 0. ये याद रखना. हो गया ऐसे सिंपल, एक पता है, बी पता है. परफेक्ट इक्वालिटी के केस में ए की वैल्यू 0 होगी, सो गिनी कोएफिशिएंट हो गया 0. इन केस ऑफ द परफेक्ट इनइक्वालिटी ए की वैल्यू कितनी होगी? ये सारा ही ए है, लॉरेंस कर्व तो ऐसा ऐसा ड्रॉ होगा, उसके नीचे का वैल्यू कितना है? 0. सो इट मींस वैल्यू कितनी होगी? ए अपॉन ए इक्वल्स टू 1. सो इन केस ऑफ परफेक्ट इक्वालिटी इट इज 0, परफेक्ट इनइक्वालिटी इट इज 1. सो इंडिया में गिनी कोएफिशिएंट की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है? इंडिया में इनइक्वालिटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज हो रही है. आफ्टर लिबरलाइजेशन इट हैज अक्रॉस द वर्ल्ड इट हैज इंक्रीज्ड, इन इंडिया आल्सो इट हैज इंक्रीज्ड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. अब दो वेज से वैल्यू मेजर करते हैं गिनी कोएफिशिएंट को. या तो सिंपल होगा ए अपॉन ए प्लस बी, परसेंटेज टर्म्स में होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे, दैट्स इट. सो गिनी कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू ए अपॉन ए प्लस बी. इफ यू वांट टू मेजर इनटू परसेंटेज टर्म्स, इसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से, सो वो परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा. ये तो हो गया गिनी कोएफिशिएंट लॉरेंस कर्व. देन द अदर अल्टरनेटिव दैट वी डिस्कस्ड इज नोन एज द एमपीआई. ठीक है? मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच केम इन 2010, जो पहले एचडीआई का एक कंपोनेंट बन के आया. इसमें क्या होता है? सो दिस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इज बीइंग मेजर्ड बाय और गिवन बाय यूएनडीपी. दिस यू नीड टू रिमेंबर.
on the basis of three indicators, health, education and living standards. You need to remember, isme to income hai nahi. So if you actually want to measure the inequality in the economy, it should not be on the basis of income only. जैसे हमारे केस में भी कंजम्पशन बेस्ड है हमारा, इनकम बेस्ड नहीं है. बिकॉज इनकम का क्या करोगे, कंज्यूम तो रुपी 500 का नोट तो नहीं कंज्यूम करने वाले, उससे कुछ परचेज करोगे फिर कंज्यूम करोगे. सो इफ यू हैव दिस थिंग इट मीन्स यू आर नॉट पुअर. सो MPI इज ऑन द बेसिस ऑफ वी हैव हेल्थ एजुकेशन एंड द लिविंग स्टैंडर्ड्स दैट वी हैव. ठीक है, डायमेंशन है आई थिंक इस पर एक बार क्वेश्चन आ गया, सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस सब कंपोनेंट्स ऑफ दिस थिंग. आई थिंक एक बार क्वेश्चन आया. Then we have the second alternative in India we have is the socio-economic and caste census that we have. So in socio-economic caste census, there are automatic exclusion, there are automatic inclusion and then we have depends, the deprivation indicators we have. अगर आपके पास फोर व्हीलर हैं तो आप पुअर नहीं हो सकते, सो ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गए. अगर आपके पास पक्का मकान नहीं है तो आप ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए. ठीक है, सो दीज आर द कंसेप्ट. अगर आपकी इनकम लेस देन 50,000 रुपीज है या समथिंग तो आप ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो गए सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस. सो हाउसहोल्ड्स विदाउट ए शेल्टर, डेस्टिट्यूट्स लिविंग ऑन आर्म्स, मैनुअल स्कैवेंजर्स हैं, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स दैट वी हैव, लीगली रिलीज बॉन्डेड लेबर्स एंड ऑल, सो इसका तो ऑटोमेटिकली आपने इंक्लूजन कर दिया इसमें. और सिमिलरली पुराने वाले को आपने ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड कर दिया. अगर मोटराइज टू व्हीलर, थ्री व्हीलर या फिशिंग बोट वगैरह कुछ भी है तो आप ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो गए. बाकी जो आता है वो आता है डेप्रिवेशन इंडिकेटर्स. इट मीन्स अब सबको तो आप इंक्लूड करोगे नहीं, तो उसमें आप क्या करोगे कि सपोज वो जो इनकम डिस्टेंस हमने देखा था कि जो सबसे ज़्यादा दूर है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, फिर सेकंड वाले को प्रायोरिटी दोगे, फिर थर्ड को दोगे और जो यहाँ है उसको लास्ट प्रायोरिटी दोगे. दिस इज नोन एज द डेप्रिवेशन इंडिकेटर्स. इट मीन्स हाइएस्ट डेप्रिवेशन स्कोर विल गेट द हाइएस्ट प्रायोरिटी फॉर इंक्लूजन इन द BPL लिस्ट और द एंटाइटलमेंट्स. Households with only one room, kacha walls and the kacha roofs we have, etc. You don't have to remember, बस इतना याद रख लेना कि seven deprivation indicators हैं. These seven figure 07 you have to remember. बाकी सब छोड़ दो. This is what we have related to the socio-economic caste census. And who is responsible for socio-economic caste census? It is the Ministry of Rural Development. इसको लिख लो. Ministry of Rural Development. And it is first paperless census in India. First paperless census in India. First paperless census in India conducted on handheld electronic devices. Conducted on the handheld electronic devices.